यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme C3 एंड Realme Narzo 10 ए के Realme UI 2.0 अपडेट के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के ऑल कर दो, ताकि जैसे ही मैं इन फ्यूचर कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूं आपके फोन में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर उनका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको Realme C3 में Realme UI 2.0 अपडेट को मैन्युअली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, क्योंकि रोजाना यहाँ पे ना कमेंट देखने को मिलता है कि Realme UI 2.0 अपडेट को मैन्युअली अपने Realme C3 या फिर Narzo 10A में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाकर मैं बताओ। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास Realme C3 या फिर Narzo 10A है तो आप अपने फोन में मैन्युअली Realme UI 2.0 अपडेट को कैसे इंस्टॉल करोगे उसके बारे में। तो फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो को देखो अगर आप Realme C3 या फिर Narzo 10A में से कोई से भी डिवाइस यूज करते हो तो। तो यहाँ पर दोस्तों Realme UI 2.0 अपडेट को मैन्युअली अपने फोन में इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन का जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जब उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने फोन का जो बूट लोडर है वो उसको अनलॉक कर लो, उसके बाद में आप Realme UI 2.0 का जो कस्टम ओजिप है उसको डाउनलोड कर लो। कस्टम ओजिप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप अपने फोन में कस्टम ओजिप को डाउनलोड कर सकते हो। कस्टम ओजिप को डाउनलोड करने के बाद में आपको बेसिकली अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा पिच ब्लैक रिकवरी को। पिच ब्लैक रिकवरी का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप अपने फोन के लिए जो पिच ब्लैक रिकवरी है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता पिच ब्लैक रिकवरी को कैसे अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने जो आपको बताया ना अभी कि बूट लोडर अनलॉक का मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसी वीडियो के एंड में आपको कस्टम रिकवरी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो जाके आप उसी एक वीडियो को चेकआउट कर लो, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं और अपने फोन में कस्टम रिकवरी पिच ब्लैक को कैसे इंस्टॉल करते हैं। पिच ब्लैक रिकवरी को इंस्टॉल करने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कोड नेम चेंजर, तो आपको सिंपल सा कोड नेम चेंजर के अंदर जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है कैपिटल लेटर में RMX2020। तो कैपिटल लेटर में RMX2020 टाइप करने के बाद में आपको सिंपल सा राइट कर देना है, उसके बाद में आपको कर देना है स्वाइप टू कन्फर्म। तो कोड नेम को सक्सेसफुली चेंज करने के बाद में आपको जाना है इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे जाने के बाद में आपने जो कस्टम ओजिप को डाउनलोड किया था उसके ऊपर आपको टैप करना है और सिंपल से आपको कर देना है स्वाइप टू फ्लैश। स्वाइप टू फ्लैश आप जैसे ही करोगे आपके फोन में जो Realme UI 2.0 का अपडेट है वो मैनुअली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, Realme UI 2.0 अपडेट को इंस्टॉल होने देना है। तो जैसे भी यह Realme UI 2.0 अपडेट सक्सेसफुली आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद में आपको बैक जाके फॉर्मेट डेटा में जाके YES यस टाइप करके सिंपल सा टिक मार्क कर देना है, तो आपके फोन का जो डेटा है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली फॉर्मेट हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों आपको सिंपल सा रिबूट सिस्टम कर देना है। जैसे आप रिबूट सिस्टम करोगे आप सीधा का सीधा पहुंच जाओगे Realme UI 2.0 बेस्ड ऑन Android 11 के ऊपर। इतना है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो, हमेशा स्मार्ट रहिए।